सो रहा है और दिन भर खेत में काम कर रहा है, ये प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन मेरा हिफाजत के लिए आम जनता बाबू की दुकान में चोरी हुई, सीसीटीवी फुटेज में लाइट नहीं रहने की वजह से पता नहीं चला, लेकिन 4 बजे भोर में क्रिमिनल को उस दुकान के आगे से गुजरते हुए देखा। सोशल मीडिया में काफी ज्यादा एक्टिव है। डीएसपी भाई क्या हुआ था, आप डीएसपी इतना बड़ा अधिकारी, आपके दुकान में कैसे चोरी हो गया? मेरा दुकान में एक बार नहीं, दो दो बार चोरी हुआ। और दोस्तों बहुत सारा आदमी की रोजी रोजगार की सवाल है, तो इनके भी पंचायत के अंतर्गत आता हूँ। मेरा काम है लोगों की जन समस्याओं को, 2 महीना से लगातार हजारी तो तरह तरह का, ये सारा मामला प्रशासन की लापरवाही है। हिमाचल के लिए सरकार तैनात की है और प्रशासन ही मेरा है ना, जितनी समस्या है उसका निदान करने का एक जरिया है और प्रशासन ही चोरों को पाल रहा है। सारा चीज का जिम्मेदार कौन है? पाल रहे हैं चोर, बिल्कुल चोर को कौन शरण दे रहा है? चोर बिल्कुल, हम लोग को समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, चोर को पाला जा रहा है, चोर का कमाई कर रहा है। कैसे किसी को चोर बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वारंटी हुआ जेल किया, जेल जाने चोर होता है, समान बरामद हुआ, वारंटी है सरकार के गजब के। हजारी चौक में इनका दुकान है, आविद भाई नाम है इनका, मशहूर बिरयानी वाले आविद भाई की दुकान है। बता रहे कि चोरी इनके दुकान में भी हुआ, तो क्या चोरी हुआ था? टेरागाट में चोरों ने मचाया तांडव, दोस्तों काफी कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा, क्योंकि झालाचौक मार्केट के मुख्य मेडिकल वाला हाजी साहब है, मैं इनसे बात करूंगा, आपको कि यहाँ के मुखिया जी है, इनसे बात करूंगा। मुखिया जी चोरी लगातार चोरी हो रही है, प्रशासन से क्या मांग है आपका? मांग जो चोरी हो रहा बार बार, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। देखिए तो घर कहाँ है? अमीरपुर। अमीरपुर जी। पिताजी का नाम क्या है? अजीमुद्दीन। कहाँ व्यवसाय करते थे? यहाँ मोहम्मदी चौक। मोहम्मदी चौक में जी। क्या गुमटी था? गुमटी। हाँ गुमटी था। तो कैसे चोरी हुआ? कैसे तोला फटा के लेके चला गया था साइड वाला गेट। तुम दुकान कितने बजे बंद करते हो? 9:30 बजे। 9:30 बजे समथिंग। चोरी कितने बजे हुई थी? चोरी पता नहीं अब कितना बजे हुआ। मांग क्या कर रहे हो? मांग टिफिन है, थाना में आवेदन दिए तो कुछ नहीं हुआ। नहीं आजाद पूर्व मुखिया जी है, हमारे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज चोरी के लिए पूरा बंद किया है, पूरा झाला चौक बंद, और एक भी मेडिसिन का भी दुकान चालू नहीं है, मेडिसिन चालू है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इनसे पूछूंगा कि क्या है और क्यों इतना लोग लिख के भी दिया गया है, लेकिन अब तक पुलिस पर कार्रवाई नहीं करती। दो चोर मेरे यहाँ वांटेड है, जो झाला चौक में छोटू पासवान और नजीब खाना, ये दो वांटेड है हमारे। ये दो आदमी का शरण देने वाला जो है हमारे चौक में, जो है एक पिंटू नाम से है, पिंटू पासवान, और दूसरा हैदर देवा। ये दो आदमी सारा चोरों को शरण दिए हुए हैं। आप हैदर देवा के यहाँ जाइए रात में, शाम में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक गांजा का उनका अड्डा रहता है, सारा चोर उनके यहाँ बैठा हुआ रहता है। पिंटू पासवान के यहाँ सारा चोरों का अड्डा रहता है, लेकिन इस पर पुलिस देखने के बावजूद पुलिस इस पर कोई अंकुश नहीं लगाता, ना इन लोगों को आज तक कुछ टॉर्चर किया, ना इन लोगों से पूछा गया। इन लोगों को पकड़ के लेके जाता है, हमारे ही जैसे कुछ लोग जाते हैं उनको छोड़ा के लेके आते हैं, या हमारे बीच के लोग कुछ ऐसे करते हैं। इस वजह से हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इन लोगों पर अंकुश लगाए, वो नहीं लगाएंगे तो फिर हम लोग को जो करना होगा हम लोग फिर एक निर्णय लेंगे। इस प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि इस चीज को देखा जाए, पुष्टिकरण किया जाए, मामला कहां तक क्या है, और क्योंकि प्रशासन से मेरा मांग है कि लगातार चोरी हो रहा है, तो इसमें अपना जो आपकी गश्ती की गाड़ी है थोड़ा रात में ज्यादा भेजे, क्योंकि लोग यही बोल सकते हैं, जो भी परेशानी होती है हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे होटल वाले सिलेंडर का लगातार चोरियां हो रहा है। देखिए इन सभी लोगों का मांग है कि चोरी से निजात पाना चाहिए लोगों को, क्योंकि हम लोग अगर रोजी रोजगार करके नहीं, व्यवसाय करके नहीं खाएंगे तो आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे। बस मैं कहूँ जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो को ज्यादा करो। नमस्कार आदाब, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंजर आलम, आप देख रहे हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये झाला चौक किशनगंज जिला के टेरागाट प्रखंड अंतर्गत झाला चौक मुख्य मार्केट में जो कि दिख रहा होगा मेरे सामने, क्या प्रशासन ने आश्वासन दे रहा है? सोमवार को आवेदन दिए, सोमवार से आश्वासन दे रहा है, आश्वासन ही है। और मैंने सुना कि कई लोगों का चोरी हुआ, यहाँ पे लगातार चोरी हो रही है, झाला चौक के प्रांगण में चोरी होते रहता है, कभी मोटरसाइकिल, कभी किसी का दुकान में, कभी किसी का दुकान में, आए दिन चोरी होते रहता है, क्योंकि कई लोगों का चोरी हुआ। दोस्तों मैं बता देना चाहता, इस वीडियो को ज्यादा, और जो भी भाई अगर जुड़ेंगे तो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इन लोगों का जो दर्द है वो बयां कर रहे हैं, क्योंकि कोई फॉल्स या कोई हम लोग व्यूज लेने के लिए या ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों के दर्द बयां कर रहे हैं। तारीख को हम पानी पहुंचा रहे थे, कुछ खेत राह जाने के कारण
शाम को हम नहीं चलाए मशीन, वहाँ छोड़ करके आ गए। एतवार के दिन सुबह जो गए मशीन चालू करने के लिए, मशीन ललकार रहे पुलिस प्रशासन की विधि व्यवस्था को। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपका भी बाइक चोरी हुआ था, आवेदन लिख करके दिए? आवेदन लिख के दिए हैं ट्रावाज में, ट्रावाज में अभी कुछ क्या क्या ठोस कदम उठाया आवेदन लिख करके दिए? प्रशासन अभी कुछ भी कदम नहीं उठाया, कुछ भी नहीं। आप थाना में गए थे, बड़ा थाना अध्यक्ष SHO साहब है, उनसे बात किए? पुलिस वाले से बात ही नहीं हुआ, कोई से किससे बात हुआ? मुंशी से बात हुआ है। हाँ, पुलिस वाले के कोई टाइम ही नहीं दे रहा, टाइम में मिल ही नहीं रहा है, तो किससे बात करें? झाला चौक के मशहूर दुकानदार DSP भाई चोरी हुआ था, उन्होंने भी अपना दुख बयां कर रहा है और मैं बात करूंगा। आ जाइए, क्या चोरी हुआ था आपका? आइए, ये हमारे DSP भाई है, क्योंकि मैं पहुँच का घर का हुआ। कमाती जो पहला चोरी जो 25 जुलाई को चोरी हुआ है, और दूसरा मेरा पहला चोरी मेरा 5 जुलाई को, दूसरा चोरी मेरा 25 जुलाई को। क्या क्या चोरी हुई थी बताइए? मेरा जो कस्टमर का मोबाइल आता है ना, तो 4-5 मोबाइल वो चोरी हुआ है, और एक नया रिसेंट जो चोरी हुआ वो हम बरामद करा लिए हैं। बरामद करा लिए, इसका मतलब चोर को भी जानते होंगे आप? जानते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होता? ऐसे लोगों को बढ़ावती देना है कि जेल भेजना है? छोटा मोटा दुकानदार है, हम तो गुहार लगाते रहे झाला चौक के लोगों से, लेकिन हमारा कोई नहीं। जब रिसेंट में जो यासिर भाई का जो चोरी हुआ है, तब हम लोग जो मिल के ये शांतिपूर्वक आंदोलन किए। आंदोलन किए तो मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए चोरी हुई है, लोग अपने जो बयान कर रहे हैं, यहाँ के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। 2 तारीख को मेरा गाड़ी उठा 2:30 बजे दिन को, 2:30 से 3 बजे के आसपास, मेरा आंगन से उठा। उसके बाद जो है मेरे गाड़ी के बाद 4 गाड़ी और उठा, 5 गाड़ी एक हफ्ता के अंदर 5 गाड़ी उठा। सिर्फ हम दिए हैं, बाकी का कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम आवेदन दिए हैं, वो भी लिखित दिए हैं, हमको रिसीविंग नहीं मिला अब तक। प्रशासन अभी तक हमको रिसीविंग नहीं दिया है। क्या ठोस कदम उठाया?